नमस्कार, उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास डॉक्टर एस आर रंगनाथन से संबंधित है। मैं इस क्लास को लेने से पहले आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। प्रत्येक संडे को स्पेशल टेस्ट आप लोगों का आयोजित की जाती है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एब्सेंट हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हो रहे हैं, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वे अपने अभिभावक के भरोसे पर उनको जो विश्वास दिलाए हुए हैं, उनसे जो वादा किए हुए हैं, अपने घर वाली से जो वादा किया हुआ है या अपने घर वाला से जो वादा की हुई है या अपने भाई से जो वादा किया हुआ है या जो अपने आप से वादा किया हुआ है, उस वादे को पूरा कर रहे हैं। लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल यही है कि भरोसे पर सके और अपने शक पर भरोसा है। उसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट मुझ पर शक कर रहे हैं और वो अपने शक पर जो है भरोसा कर रहे हैं। मैं वैसे स्टूडेंट को कहना चाहता हूं, सलाह हारे हुए की और तजुर्बा जो है जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी में कभी नहीं हारने देता। यदि कोई आपको सलाह देते हैं तो समझ जाइए कि वह उस रास्ता से गुजर चुका है। अगर कोई कामयाबी व्यक्ति आपको सलाह देते हैं तो वह अपने तजुर्बा को शेयर करते हैं और सलाह और तजुर्बा दोनों को मिलाकर अगर अपने दिमाग पर खुद पर भरोसा करते हैं तो आप अपने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मान सकते। हमेशा ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण सफलता के मार्ग से भटक जाते हैं और ऐसे समय में उसे जरूरत होती है किसी ऐसे व्यक्ति या साधन की जो उसे सफलता के लिए प्रेरित कर दे और वह नई ऊर्जा उत्साह के साथ प्रफुल्लित होकर के अधिक जोश तथा जुनून के साथ अपने मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। जब तक आपके अंदर जुनून और विश्वास है तथा मेहनत के लिए तत्पर है तो दोस्तों आप दुनिया में हर एक मुकाम हासिल कर सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज होती है मेहनत तथा अपना धैर्य रखना। आप उमेश स्टडी पर विश्वास करें, अपने धैर्य के साथ अध्ययन करें और यह उमेश स्टडी के माध्यम से आप अवश्य सक्सेस हो जाएंगे। जिनको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कहा गया है कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। उसी तरह से आप यदि आप विश्वास करते हैं तो आप अपने
मुकाम को पाते हैं और पाएंगे। जीवन में कभी भी निराश मत होना चाहिए, क्योंकि हर पल नए अवसर के समान है। एक चिट्ठी से आपको क्या सीख मिलती है? एक चिट्ठी अपनी से दो गुना वजन उठाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। आप तो फिर भी एक इंसान हैं। आपकी हार तब तक नहीं होती जब तक आप स्वयं हार नहीं मान लेते। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तथा निष्ठापूर्वक धैर्य बनाए रखते हैं और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी सफलता को रोक सके और आपके मार्ग का बाधक बन सके और अड़चने जो है आपको डाल सके। ऐसा कोई भी ताकत नहीं है। यदि आप अपने ईमानदारी और मेहनत के साथ निष्ठापूर्वक धैर्य बनाए हुए अपने जुनून और जज्बा के साथ अध्ययन करते हैं, तो आपको भी नौकरी जो है 100% मिलेगी। विद्यार्थी जीवन बहुत चंचलता भरा हुआ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दूसरे के नकल करने में रहते हैं। अरे वो मुझसे आगे हो गया, कैसे आगे हो गया, उसके पीछे करने में रह जाते हैं। नकल करो, पीछा करो, लेकिन ऐसा नहीं करो कि आप उसके पीछा ही करते रह जाए। अगर आप उसके पीछा ही करते रह जाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए कभी भी किसी दूसरे का नकल मत कीजिए, पीछा मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं गार्जियनों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स की तुलना किसी अन्य स्टूडेंट से ना करें। उनको हमेशा मोटिवेट करें। अगर स्टूडेंट निराश भी होते हैं, उनको विश्वास दिलाइए और किन बातों से निराश हो रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। कठोर मेहनत के बाद भी सफलता अगर नहीं मिलती है तो निराश होकर के प्रयास करना छोड़ देते हैं स्टूडेंट। कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि जब इंसान को ठोकरें लगती है तो बुद्धि जो है ना बढ़ती है। मैं आपको एक बार पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप उमेश स्टडी के माध्यम से अपनी सफलता को, अपने मंजिले को पा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी तक बैच को परचेज नहीं किए हैं, वह बिहार लाइब्रेरी बैच को परचेज कर लें। यह आज का आपके लिए स्पेशल ऑफर है, ₹1550। ₹1550 में आप इस 24 घंटा के अंदर में आप बैच को परचेज कर सकते हैं और मेरे बिहार लाइब्रेरियन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें NTA, NVS, KVS, नेट सभी चीज़ की तैयारी कराई जाती है। SSC, रेलवे की भी तैयारी कराई जाती है। प्रत्येक संडे को स्पेशल टेस्ट और प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल्स, चैप्टर वाइज आपका रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेज, अनाउंसमेंट गैलरी और सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अपनी पूरी ताकत के साथ
प्रयास कीजिए अपनी सफलता को पाने के लिए। आज के क्लास जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन से संबंधित हैं और यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन से एक भी बाहर क्वेश्चंस नहीं रहेगा। यदि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जीवनी या उनकी शिक्षा से संबंधित प्रश्न रहता है तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्लास एस आर रंगनाथन के डॉक्टर एस आर रंगनाथन से संबंधित क्लास चलेगी, लेकिन यह क्लास खास करके आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्लास को अंत तक अवश्य देखिए, क्लास में अंत तक अवश्य बने रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मोबाइल को लॉग इन करके उसको छोड़ देते हैं, मुझे ठगते हैं कि सर यह ना समझे कि मैं क्लास नहीं देख रहा हूँ, मैं हर चीज को समझ रहा हूँ। तो आप ऐसा ना करें। यदि किसी कारणवश क्लास छूट जाती है तो आप लैब सेक्शन के पास्ट सेक्शन में जाकर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं और स्टडी मटेरियल्स को भी पढ़ सकते हैं। यही है डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का जन्म जो है अठारह सौ बिरानवे ईस्वी को डॉक्यूमेंट्स के अनुसार और परिवार के सदस्यों के संकेत के अनुसार इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1892 ईस्वी को हुई है। तो आप यह देख रहे हैं कि इनका जन्म जो है 12 अगस्त 1892 ईस्वी को ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और 9 अगस्त 1892 ईस्वी को इनके पारिवारिक संकेत के अनुसार। पारिवारिक संकेत मतलब ये हो गया जैसे मम्मी चाचा दादा दादी नाना नानी उनके अनुसार इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1892 ईस्वी को हुई। यदि परीक्षा में आपको 9 अगस्त और 12 अगस्त दोनों रहे तो किस पर टिक करना चाहिए, 9 अगस्त या 12 अगस्त? मेरे अनुसार 12 अगस्त सही आंसर होगा, क्योंकि 9 अगस्त का कोई रिकॉर्ड नहीं है और 12 अगस्त उनके सर्टिफिकेट के अनुसार भी है, रिकॉर्डेड है, प्रूफ के तौर पर है और सरकार भी उनके जन्मदिन के ही 12 अगस्त के जन्मदिन पर ही लाइब्रेरी डे भी मनाते हैं। इसलिए मेरे कथनानुसार 12 अगस्त होगा और 9 अगस्त जो है उस समय नहीं होगा। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म जो है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कब हुई है, तो उसमें तो सीधा क्लियर है कि 12 अगस्त 1892 ईस्वी को हुई है। लेकिन वही पूछ दे कि उनका वास्तविक जन्म कब हुई है, तो उसमें वास्तविक जन्म अगर लगा दे टाइटल तो सीधे 9 अगस्त 1892 ईस्वी होगी। और यदि उसमें पूछा जाए सीधे जन्म कब हुई है तो क्या होगा, उसमें 12 अगस्त 1892 ईस्वी को। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 12 अगस्त 1892 ईस्वी और पारिवारिक सदस्यों के संकेत के अनुसार जो है 9 अगस्त 1892 ईस्वी
और मेरे अनुसार यदि दोनों ऑप्शन रहे एग्जाम में तो 12 अगस्त 1892 पर टिक करना है, उसी ऑप्शन को चयन करना है, क्योंकि भारत सरकार भी लाइब्रेरियन डे जो है हमारे भारत में उन्हीं के जन्मदिन 12 अगस्त को ही मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का जन्म जो है सियाली तंजोर, जो मद्रास चेन्नई में है तमिलनाडु में, यह सियाली गांव में हुआ था। रंगनाथन का पूरा नाम क्या है? तो रंगनाथन का पूरा नाम सियाली रामामृत रंगनाथन है, और आप समझ गए होंगे सियाली नाम क्यों जुड़ा, क्योंकि उनका जो है यह जन्म स्थान है सियाली गांव में जो है उनका जन्म हुआ था, और रामामृत जो है इनके पिताजी का नाम से लिया गया, और रंगानाथन जो है उनका अपना नाम हो गया। तो ये सियाली रामामृत रंगानाथन इनका पूरा नाम है, उसको संक्षेप में एस आर रंगनाथन कहते हैं। और रंगनाथन के पिता का क्या नाम है? तो रंगनाथन के पिताजी का नाम रामामृत अय्यर है। क्या है? रामामृत अय्यर है। इसीलिए रामामृत अय्यर के रामामृत शब्द को और सियाली शब्द उसके गांव को जोड़ करके सियाली रामामृत रंगनाथन नाम दिया गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इतना सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गई होगी। एस आर रंगनाथन का जन्म कब होता है? तो एस आर रंगनाथन का जन्म जो है 9 अगस्त को 1892 ईस्वी में, और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 12 अगस्त 1892 ईस्वी में हुआ है। और इनका पूरा नाम सियाली रामामृत रंगनाथन है, सियाली उनके गांव से संबंधित हैं, और रामामृत जो है उनके पिता का नाम है, उनके पिताजी का नाम रामामृत अय्यर है, तो उसमें से रामामृत शब्द को लिया गया है। रंगनाथन की माता का क्या नाम है? तो रंगनाथन की माता का नाम सीता लक्ष्मी है। क्या है? सीता लक्ष्मी है। डॉक्टर रंगनाथन की पत्नी, तो सबसे पहले डॉक्टर रंगनाथन ने दो शादी की, एक रुक्मणी के साथ 1907 ईस्वी में और एक शारदा के साथ 1929 ईस्वी में। रुक्मणी की मृत्यु 1907 ईस्वी में हो जाती है पानी में डूबने से। उसके बाद जो है 1929 ईस्वी में जो है शारदा से शादी कर लेते हैं, और डॉक्टर रंगनाथन जी अपने शादी के दिन भी जो है ऑफिस नहीं छोड़ते हैं, वह हाफ सीएल लेते हैं। उनको अपने कार्यालय, अपने काम, अपने जुनून सभी से बहुत प्यार था उनको। और हम लोगों के समाज में जब शादी किसी का होती है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं, वह पहले से ही जो है क्या करते हैं, ऑफिस भी त्याग देते हैं। लेकिन डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी अपने शादी के दिन भी आधे दिन का छुट्टी लेकर के आए, और शादी करने के बाद फिर वह जो है अगले दिन ही अपना ऑफिस को अटेंड कर लिए। डॉक्टर रंगनाथन के पुत्र का क्या नाम है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पुत्र का नाम योगेश्वर है, और इनका जन्म जो है 1932 ईस्वी में होती है। यह शारदा का बेटा है, यह शारदा का पुत्र है, रुक्मणी का नहीं। उनके बचपन के गुरु कौन थे? तो उनके बचपन के गुरु जो है एडवर्ड बुरंस रोस, एडवर्ड बुरंस रोस जो है वह गणित के टीचर थे, उन्हें गणित पढ़ाते थे। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के यह जीवन भर, आजीवन भर पसंदीदा टीचर रहे, उन्हें वह बहुत पसंद करते थे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि वह उनके परिवार को भी देखते थे। उनकी पिता की मृत्यु जब वह रंगनाथन जी 6 वर्ष के रहते हैं तभी हो जाती है, तो एक तरह से गार्जियन के तौर
तौर पर भी एडवर्ड बर्नस रॉस जो हैं उनके परिवार को भी देखते थे और उनको पढ़ाते भी थे। और आजीवन भर डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का जो है वह क्या रहे, पसंदीदा शिक्षक रहे। लंदन के गुरु कौन थे? जब वह पुस्तकालय अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वह उनकी ट्रेनिंग के लिए लंदन जाते हैं, तो वहाँ डब्ल्यू सी बर्विक सेयर्स से उनकी मुलाकात होती है और पुस्तकालय क्षेत्र में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का गुरु जो है डब्ल्यू सी बर्विक सेयर्स हैं। हिंदी वाले में ना जाएं, परीक्षा में कभी भी वैल्यू जो है इंग्लिश वर्ड का रहता है, इसीलिए इंग्लिश के स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। डब्ल्यू सी बर्विक सेयर्स, इनकी मृत्यु कब होती है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु जो है 27 सितंबर 1972 को ब्रोंकाइटिस, एक बीमारी जो श्वसन से संबंधित है, लंग्स की बीमारी है, इस बीमारी के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जिंदगी का आत्महत्या हो जाता है। अब मैं घटना चक्र के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, घटना चक्र को याद करने का कोई खास ट्रिक नहीं है, आपको अपने से स्वयं ट्रिक को समझना पड़ेगा। बहुत सारे इवेंट्स हैं, वास्तव में इतना इवेंट्स को याद रखना बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप जो है उसको अपने एक तरीका निकाल करके, अपना कोई एक तरीका अपना करके उसको याद कर सकते हैं। आज इस क्लास में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जीवन से संबंधित पूरी घटना को आप समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1892 ईस्वी से घटना का। और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म वास्तविक 9 अगस्त को और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 12 अगस्त को हुआ है। और कहां हुआ? तो सियाली मद्रास में जन्म हुआ। कब? 1892 ईस्वी में। और उनके पिता की मृत्यु कब हो जाती है? 1898 ईस्वी में। आप इसको भी याद कर लेंगे, 1898 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जब वह 6 वर्ष के होते हैं। वह लंबी बीमारी के कारण के पिता की मृत्यु हो जाती है। 1908 और 9 ईस्वी में वह मैट्रिक की परीक्षा सियाली के हिंदू हाई स्कूल टीचर्स कॉलेज सैदापट से करते हैं। 1908 या 1909 ईस्वी में। और 1913 ईस्वी में वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए की उपाधि गणित से प्राप्त करते हैं। और 1916 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से एमए की उपाधि जो है गणित से ही वह क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आप क्या देखें, 1892 में जन्म, 1898 में के पिता के रामामृत अय्यर जी का मृत्यु हो जाती है। और 1908 से 9 ईस्वी में सियाली में हिंदू हाई स्कूल टीचर्स कॉलेज सैदापेट से वह क्या करते हैं, तो मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। और 1917 ईस्वी में क्या करते हैं, यह गवर्नमेंट कॉलेज कोयंबटूर विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू कर देते हैं। और फिर 1921 से 1923 के दौरान प्रेजिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय में वह अध्यापन का कार्य करते हैं, वहां गणित पढ़ाते हैं। फिर 1924 में वह 9 माह के प्रवास के दौरान यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी के प्रमुख लाइब्रेरी डब्ल्यू सी बर्विक सेयर्स के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और वहीं 1924 में मद्रास वह क्या करते हैं, रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया जाता है। और जब उनको, रंगनाथन जी को मद्रास के विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वह अपना ट्रेनिंग के लिए 1924 में ही वह इंग्लैंड चले जाते हैं
और 9 महीना वहाँ रह करके, कितने महीना, 9 महीना यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी के प्रमुख लाइब्रेरियन डब्ल्यू सी बेरबिक सेयर्स के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहीं पर उन्हें पुस्तकालय अध्यक्ष की उपाधि जो है आजीवन दी जाती है। तो ब्रिटेन में भी उनको जो है आपको इंग्लैंड में भी एक उपाधि मिलती है और वहीं पर डब्ल्यू सी बेरबिक सेयर्स से मुलाकात होते हैं और उनकी मार्गदर्शन में वह शिक्षा को ग्रहण करते हैं और वह उनके गुरु हो जाते हैं। तो परीक्षा में पूछ देता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का लंदन का गुरु कौन थे, तो कौन थे, डब्ल्यू सी बेरबिक सेयर्स थे, कौन लंदन के गुरु थे। और उन्नीस में वह 9 महीना के बाद इंग्लैंड से भारत लौटते हैं। कब लौटते हैं, 1925 ईस्वी में, वह जुलाई में, जुलाई महीना में, तारीख नहीं है, इसलिए इतना पूछा जाता है कि किस महीना में इंग्लैंड से वह भारत लौटे, तो जुलाई महीना में, कब, 1925 ईस्वी में। अगला है 1928 ईस्वी में वह 13 नवंबर 1928 ईस्वी को डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पहली पत्नी रुक्मणी की मृत्यु हो जाती है पानी में डूबने से। और 1928 के 3 जनवरी 1928 को रंगनाथन ने मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना भी करते हैं और 1928 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन भी करते हैं और 1929 ईस्वी में शारदा से वह दूसरी शादी कर लेते हैं और 1931 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक का प्रथम प्रकाशन करते हैं। तो परीक्षा में पूछता रहता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखें कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन कब होता है, तो कब होता है प्रथम प्रकाशन, 1931 ईस्वी में। अगला है 1931 ईस्वी में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का क्या होता है, वह प्रकाशन होता है पुस्तक का। 1933 में कोलोन क्लासिफिकेशन की रचना करते हैं, तो ये भी पूछता रहता है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि कोलोन क्लासिफिकेशन की रचना डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कब किया, तो क्या होगा, 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की रचना कब करते हैं, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की भी रचना 1934 ईस्वी में करते हैं। अगला है 1935 ईस्वी में राव साहब पुरस्कार भारत सरकार द्वारा, उस समय तत्कालीन भारत सरकार जो है उनके द्वारा क्या किया जाता है, 1935 ईस्वी में राव साहब पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 1937 ईस्वी में प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना करते हैं और 1938 ईस्वी में थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग की रचना करते हैं। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग की रचना कब करते हैं, 1938 ईस्वी में। फिर 1944 से 53 तक भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष होते हैं, 1924 में वह प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनते हैं और 1944 तक वह प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कार्य करते हैं और 1944 ईस्वी में जाकर के वह क्या करते हैं, स्वेच्छा से अपने पद से रिजिग्नेशन दे देते हैं, किस पद से, पुस्तकालय अध्यक्ष पद से। और 1944 से 53 तक जो है भारतीय पुस्तकालय संघ के क्या होते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। 1945 में पुस्तकालय अध्यक्ष पद से स्वैच्छिक रिटायरमेंट देते हैं, कब, 1945 में, सॉरी आप उस 1944 तक वह पद पर बने रहते हैं। 1945 में एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना करते हैं और 1945 से 47 तक बनारस, जो वर्तमान में वाराणसी नाम हो चुका है उसका, हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय विज्ञान के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करते हैं।
फिर 1947 से 54 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हैं और 1948 में क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन की रचना करते हैं। 1948 ईस्वी में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें क्या होता है, डीलिट की उपाधि मिलती। एक उसे पिट्सबर्ग में भी 1964 ईस्वी में क्या होता है, डीलिट की उपाधि दी जाती है। तो ये दो डीलिट दो बार उनको उपाधि मिलती है, एक 1948 और एक 1964 में। यह पहला जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा और दूसरा जो है पिट्सबर्ग के द्वारा। 1950 से 62 तक रंगनाथन जो है FID इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के वर्गीकरण रिसर्च के अध्यक्ष भी बनते हैं और 1950 से 62 तक इसमें 12 शोध पत्र तैयार करते हैं। 12 वर्ष में प्रत्येक वर्ष जो है एक एक शोध पत्र क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। अगला है 1951 से क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की क्या करते हैं, वह स्थापना करते हैं। और 1953 में जनवरी में 1953 में रंगनाथन की माता का निधन जो है जल जाने के कारण, घर में आग लग जाने के कारण हो जाती है। 1954 से 57 ईस्वी में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में शोध और लेखन में वह व्यस्त हो जाते हैं और 1955 में हेडिंग्स एंड कैनन्स की रचना करते हैं। फिर 1957 में डॉक्टर SR रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उन्हें 71वें जन्म वर्षगांठ पर 1898 से 13 जनवरी 1898 रंगनाथन के पिता का निधन, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये यहाँ पर आ गया है। तो रंगनाथन के पिता की मृत्यु कब होती है, 13 जनवरी 1898 ईस्वी को, वो याद रखेंगे। और 1957 ईस्वी में डॉक्टर SR रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है देते हैं, कब, उनके 71वें जन्मदिन पर। और अगला है 1957 में डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1,00,000 रुपया, जिंदगी का वह सबसे बड़ा दान करते हैं 1,00,000 रुपया। और 1957 में आज से उस समय का वैल्यू 1,00,000 रुपया का आप समझ सकते हैं, मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस एंड एडोवमेंट के अध्यक्ष के लिए शताब्दी समारोह में वह क्या करते हैं, 1,00,000 रुपया वह जिंदगी का सबसे बड़ा दान करते हैं। और 1957 में डॉक्टर SR रंगनाथन ने इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन FID के मानद सदस्य चुने जाते हैं और उन्हें ग्रेट ब्रिटेन के लाइब्रेरी एसोसिएशन के जीवन के लिए उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगला है 1959 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में अतिथि प्राध्यापक के पद पर वह कार्य करते हैं और 1961 ईस्वी में वह क्या करते हैं, तो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना करते हैं और 1963 ईस्वी में भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के चैरिटेबल एडोनमेंट के तहत उसको पंजीकृत कर दिया जाता है। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 1994 में डीलिट की उपाधि किट्स कहां से, पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से, वह दूसरी बार जो है डीलिट की उपाधि उन्हें मिलती है, पहली बार कहां से, दिल्ली विश्वविद्यालय से। और 1965 में भारत सरकार उन्हें पुस्तकालय विज्ञान में शोध प्राध्यापक की उपाधि से क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। और 1970 में मार्गरेट मान अवार्ड अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा उन्हें दिया जाता है और 1971 में मार्क डेवेन सोसाइटी अमेरिका के द्वारा ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड भी दिया जाता है। और 1972 ईस्वी में 27 सितंबर 1972 को SR रंगनाथन जैसे महान
विद्वान, पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षा शास्त्री की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और 1985 ईस्वी में 13 जुलाई 1985 ईस्वी को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने रंगनाथन की दूसरी पत्नी शारदा की भी मृत्यु हो जाती है। और 1992 ईस्वी में भारत सरकार उसके सम्मान में क्या करते हैं, डाक टिकट जारी करते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा 1992 ईस्वी में उनके सम्मान में क्या किया जाता है, 30 अगस्त को डाक टिकट को जारी किया जाता है। इतना था घटना चक्र। अभी बने रहिए, अभी क्लास चलने वाली है और मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता हूँ, आपको सटीक चीज कम समय में बताने का कोशिश करता हूँ। और मैं जितने भी बातें बताया हूँ उससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं रहने वाला है, सभी क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल रही है। अगला है, सियाली रामामृत रंगनाथन में सियाली किसका नाम है, अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग बता सकते हैं। सियाली एक गांव का नाम है नहीं, और रामामृत किसका नाम है, उसके पिता का रामामृत अय्यर नाम रहता है तो रामामृत शब्द को लिया जाता है, और रंगनाथन उसका अपना वास्तविक नाम है। अगला, सियाली वर्तमान में क्या है, तो सियाली जो है वर्तमान में सिरकाजी है। क्या है, वर्तमान में सिरकाजी है। लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, तो लाइब्रेरी डे जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसलिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि 9 अगस्त और 12 अगस्त दोनों रहेगा तो आप किसको मानेंगे, सीधे अगर कहेगा जन्म कब हुआ तो आप उसमें 12 अगस्त को लेंगे, क्योंकि भारत सरकार 12 अगस्त को उनको क्या किए हैं, उनके जन्म के दिन पर सम्मानित किए हैं और 12 अगस्त को लाइब्रेरी डे बनाते हैं। अगला है, रंगनाथन का जन्म दिवस पुस्तकालय दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है, तो 1984 ईस्वी से, कब से, 1984 ईस्वी से पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला, रंगनाथन के पिता क्या थे, तो रंगनाथन जी के पिता जो हैं जमींदार थे। क्या थे, जमींदार थे। अगला, रंगनाथन के पिता का निधन कैसे हुआ, तो 30 वर्ष की आयु में जब रंगनाथन 6 वर्ष के थे तो उसके पिता की आयु 13 जनवरी 1998 को, 1898 ईस्वी को, कब, 1898 ईस्वी को हो जाती है, कब, 13 जनवरी को, 13 जनवरी 1898 ईस्वी को। रंगनाथन की माता का निधन कब हुआ, तो जनवरी 1953 में आग में जल जाने से। रंगनाथन के माता का निधन कैसे हुआ, तो घर में आग लगने से वह जल गई और उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन व्यवसाय के से क्या थे, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है व्यवसाय से लेखक थे, शैक्षणिक, गणित और लाइब्रेरियन थे। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन को माना जाता है। बने रहिए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसने कहा, यहाँ पर दो प्रकार का प्रश्न है, परीक्षा में कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है। तो देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दो व्यक्ति जो है जनक कहने वाले हैं। सबसे पहले जो है सर मॉरिस ग्रेवियर, और दूसरा जो है राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी। दोनों ने उन्हें क्या किए हैं, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक बोले हैं। क्या बोले हैं, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक। तो अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो सबसे पहले किसको माना जाए, तो डॉक्टर ये किसका, सर मॉरिस ग्रेवियर। स्पेलिंग इंग्लिश का देखिए, यह होता है MAURCIC, ग्रेवियर GWYER, यही इस ये वैल्यू होगा, यही वैलिड होगा, हिंदी का नाम नहीं होगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में इंग्लिश क्वेश्चंस, अगर हिंदी में डॉट है तो आप इंग्लिश क्वेश्चंस को देखेंगे और वही जो है उसका करेक्ट आंसर होगा।
डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के आइंस्टीन किसने कहा? तो युगान गॉडफील्ड ने डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का आइंस्टीन कहा। और जनक किसने कहा? तो सर मॉरिस ग्वेयर और राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी ने कहा। अगला है, लाइब्रेरी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक आधार प्रदान करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दिया जाता है। अगला है, डॉक्टर रंगनाथन ने अपने अनुभवों, विचारों और सिद्धांतों को एक किताब का स्वरूप प्रदान किया, उसका पूरा नाम क्या है? न्यू एजुकेशन एंड स्कूल लाइब्रेरी। क्या है? न्यू एजुकेशन एंड स्कूल लाइब्रेरी। अगला है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक दी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसे समर्पित किया? तो यह एडवर्ड बी रॉस, उनके जो बचपन के गुरु हैं उनसे उनको बहुत लगाव रहता है। जब वह इस बुक की रचना करते हैं तो वह इस बुक को क्या करते हैं? उन्हीं को समर्पित करते हैं। और इन्होंने जो 5 सूत्र दिया, उस 5 सूत्र में सबसे पहला सूत्र जो है इन्हीं का दिया हुआ है। इसमें एडवर्ड बी रॉस का भी उसमें संबंध है। मैं इस पर क्लास कर लूंगा, कल का क्लास और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। इसमें से भी तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फिक्स हैं ही, नहीं 2 3 क्वेश्चन तो 1 क्वेश्चन फिक्स है। तो आप गंभीरता पूर्वक पढ़िए, अध्ययन कीजिए, ठगिए नहीं, मुझे नहीं ठगिए, मैं हर रास्ता से गुजर चुका हूं। अपने गार्जियनों को ना ठगें, किसी से वादा किए हैं तो वादा निभाइए। और डॉक्टर रंगनाथन सर्वप्रथम 5 लॉ सूत्र का प्रतिपादन कहाँ करता है? तो मीनाक्षी कॉलेज अनामलाई नगर में करते हैं। कहाँ करते हैं? मीनाक्षी कॉलेज अनामलाई नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुस्तकालय जो जनता द्वारा संचालित और जनता के लिए उपलब्ध हो उसे कौन सा पुस्तकालय कहते हैं? तो यह सार्वजनिक पुस्तकालय किसने कहा था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? तो जब दिया गया तो वह उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह भी एक बार पूछ दिया हुआ है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जब पद्मश्री अवार्ड दिया गया तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यह डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? तो 1957 ईस्वी में। कौन दिए थे? उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 71 में, किस पर? 71 में वर्षगांठ पर। कहाँ? जब वह 71वां जन्मदिन मना रहे थे तो उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है क्या किए? पद्मश्री अवार्ड जो है सम्मानित किए। और भारत के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान जो है किसने तैयार किया? लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर रंगनाथन को क्यों याद किया जाता रहेगा? किसके लिए डॉक्टर रंगनाथन को याद किया जाएगा? तो उनके द्वारा दिया गया आधारभूत सिद्धांतों के लिए। यह स्वर्ण अक्षरों में क्या हो गए हैं? लिखा चुके हैं, उनका नाम जो है इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में गढ़ा चुका है। अब है बुक्स बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई किताबें। सबसे पहले क्या है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कौन सी किताबें लिखे? तो देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है सबसे पहले क्या लिखे हैं?
तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सबसे पहले जो है यह द फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 ईस्वी में लिखे, और क्लोन क्लासिफिकेशन 1933 ईस्वी में। मैं सबके बारे में ऊपर में भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन एक जगह जो है निचोड़ बता देता हूँ। क्लोन क्लासिफिकेशन का सेकेंड एडिशन कब आता है, 1939 ईस्वी में, और क्लोन क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन कब आता है, 1950 ईस्वी में, और क्लोन क्लासिफिकेशन का फोर्थ एडिशन कब आता है, 1952 ईस्वी में, और क्लोन क्लासिफिकेशन का फिफ्थ एडिशन कब आता है, 1957 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे। और क्लोन क्लासिफिकेशन का सिक्स्थ एडिशन 1960 ईस्वी में आता है, और क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का कब 1934 ईस्वी में रचना करते हैं, और प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का 1937 में, और प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का सेकेंड एडिशन कब आता है, 1957 ईस्वी में, और प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का थर्ड एडिशन कब आता है, 1967 ईस्वी में। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन की रचना कब करते हैं, 1951 ईस्वी में। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट की रचना 1973 में हुई, और इनके मृत्यु के बाद यह जो है बुक क्या होता है, प्रकाशित होता है। और डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स कब प्रकाशित हुआ, 1963 ईस्वी में, और रिफरेंस सर्विस कब आया, 1961 ईस्वी में, और लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952 ईस्वी में, और लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का सेकेंड एडिशन कब आता है, 1966 ईस्वी में। फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब करते हैं, 1951 ईस्वी में, और लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन की रचना कब करते हैं, तो 1935 ईस्वी में। लाइब्रेरी मैनुअल की रचना कब करते हैं, तो 1951 ईस्वी में। देखिए बहुत सारे ईस्वी हैं, उसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप उसको ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी गलत टिक नहीं करेंगे। रामानुजन द माइंड एंड द मैथमेटिक्स की रचना कब किए, 1946 ईस्वी में, और सजेशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज इन इंडिया की रचना 1946 ईस्वी में करते हैं, और हेडिंग एंड कैनॉन्स की रचना कब किए, 1955 ईस्वी में, और ए लाइब्रेरियन बुक्स लुक्स बुक्स एंड ऑटोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, एडिटर कौन है इसका, पीएन कॉल आ है। कब प्रकाशित होता है यह, 1992 ईस्वी में। तो इतना है पूरे डॉक्टर एस आर रंगनाथन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, और इससे एक भी बाहर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे वह नेट का हो, एनटीए का हो, एनपीएस का हो, केवीएस का हो, या बिहार लाइब्रेरियन का हो, या सिस्को का हो, या अन्य कंपटीशन का हो, सब में इतना क्वेश्चंस हैं, इससे एक भी बाहर नहीं है। आप इसको धैर्यपूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, विश्वास पूर्वक आप इसका अध्ययन करें और पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और कल की क्लास जो होगी डॉक्टर एस आर रंगनाथन का है, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया जो है सूत्र, उस सूत्र से संबंधित है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो कल का क्लास को गंभीरता पूर्वक देखिए, क्लास को गंभीरता पूर्वक अटेंड कीजिए, और वीडियो को एक बार देखने पर समझ में नहीं आती है तो आप जो है दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार हो सके अधिक से अधिक बार देखिए। अगर कोई काम भी करते रहते हैं तो वीडियो को चला के छोड़ दीजिए, कान में एयरफोन लगा लीजिए, सुनिए, याद हो जाएगी, और जब समय बचता है तो आप स्टडी मटेरियल्स का जो है अध्ययन कीजिए। नहीं तो आप क्या कीजिए, ये घर में तो प्रायः सभी के घर में क्या है, साउंड बॉक्स तो रहता ही है,
होम थिएटर तो रहता ही है, उसमें आप जोड़ दीजिए, वीडियो को चला करके छोड़ दीजिए और साउंड से सुनते रहिए, मैं जो बोलता रहता हूँ वह आपको सुनने से ही क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।